सुनील केदार द्वारा आयोजित बैठक में विधायक टेकचंद सावरकर के साथ हुए व्यवहार का सावरकर ने निषेध व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले की शिकायत को वो पुलिस में दर्ज कराएंगे। सोमवार को मंत्री सुनील केदार द्वारा आढ़ावा बैठक का आयोजन किया गया था, जिस दौरान उनका सूरज भोयर के साथ शाब्दिक वाद विवाद हुआ। आइए सबसे पहले देखते हैं उस बैठक का ही एक वीडियो। इस मामले पर बात करते हुए मंगलवार को विधायक टेकचंद सावरकर ने कहा कि मैं मंत्री सुनील केदार द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक का निषेध करता हूँ, साथ ही कांग्रेसियों का भी निषेध करता हूँ। तालुका की जो बैठक थी माननीय सुनील केदार साहब ने लिया, उस बैठक में मेरे को शासकीय बैठक का निमंत्रण था। मैं बैठक में गया तो वहाँ जो आमदार के लिए एक विधायक के लिए जो कुर्सी की व्यवस्था या बैठने का प्रोटोकॉल रहता है वो उन्होंने नहीं रखते हुए पूरे कांग्रेस के लोग सुनील केदार के आजू बाजू में थे। मैं साइड में जाके बैठा और जब मेरा स्वागत करने लगे तो मैंने बताया कि कोविड होने के कारण मैं स्वागत स्वीकारता नहीं। मेरे को ये दो मुद्दे हो गए, उस दो मुद्दे के ऊपर मेरे को चर्चा करना है। तो सुनील केदार साहब ने बोला कि तुम ये मीटिंग खत्म हुए बगैर बोलने का अधिकार तुमको मैं नहीं देता। यदि मेरे को बोलने का अधिकार नहीं है, मेरे 5 लाख लोगों का यदि प्रश्न रखने का अधिकार नहीं है तो मैं उस बैठक में रहने का मेरा कौन सा मतलब है। ऐसा करके मैं उनका निषेध किया। मेरे ऊपर सुनील केदार, सुरेश भोर और कांग्रेस के कार्यकर्ता चढ़ के आए और गलत शब्दों में मेरे साथ में बातचीत की। मैं उनका भी निषेध करता हूँ और मैं उसकी पुलिस तकरार करने वाला हूँ। सुनील केदार साहब के ऊपर मैं निश्चित रूप से सभागृह में हक्का मंगल आऊँगा और कांग्रेस ने जो जो हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया पूरे जिले में हमारी भारतीय जनता पार्टी तालुका तहसीलदार और थानेदार उनके पास जाके निवेदन देंगे, सुनील केदार का निषेध करेंगे और सुरेश भोयर को गुना दाखिल करो, ये मांगनी हमारी रहेगी। पत्रकार परिषद में आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो इस व्यवहार के विरोध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे, साथ ही मंत्री सुनील केदार का निषेध हम करेंगे और सुरेश भोयर के खिलाफ मामला दर्ज हो ये हमारी मांग रहेगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।